झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम रचनात्मक लेखन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रचनात्मक लेखन किसे कहते हैं? तो पहले तो ये जान लीजिए कि रचनात्मक लेखन और सृजनात्मक लेखन दोनों एक ही बात है। रचनात्मक लेखन को ही सृजनात्मक लेखन कहते हैं। दोनों का ही तात्पर्य है वैचारिक और भावात्मक रूप से रचना करना। साहित्य की विधाओं में रचनाकार के द्वारा अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त करना रचनात्मक लेखन की श्रेणी में आता है। कविता, कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथाएं, चिंतन परक, निबंध, ये सभी साहित्य की विभिन्न विधाएं हैं और इनमें रचनात्मक लेखन किया जाता है। रचनात्मक लेखन जीवन को नए दृष्टिकोण से परिभाषित करता है, उसे एक नया अर्थ देता है और पाठक को सोचने के लिए विवश भी करता है। कबीरदास, तुलसीदास, प्रेमचंद, निराला, मुक्तिबोध सहित इस प्रकार के तमाम लेखकों और कवियों, नाटककारों का लेखन हम इस श्रेणी में पाते हैं और यही रचनात्मक लेखन है। रचनात्मक लेखन कालजयी होता है, वह सदियों तक प्रासंगिक बना रहता है। कबीरदास ने जो लिखा, तुलसीदास जी ने जो लिखा, वो आज के 500-600 साल पहले लिखा गया, लेकिन उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। इसलिए यह एक कालजयी रचना है, एक रचनात्मक लेखन है जो अभी तक अपना अस्तित्व बनाए हुए है और आगे भी बनाए रखेगा। अब हम देखते हैं कि रचनात्मक लेखन क्या नहीं है। समाचार पत्रों में लिखे गए समाचार, विज्ञापन में लिखे गए किसी वस्तु के बारे में वाक्य, सामान्य तौर पर अपने दोस्तों और परिजनों को लिखे गए पत्र आदि रचनात्मक लेखन के अंतर्गत नहीं आते। ये तो तात्कालिक लेखन है जो उस समय के लिए, उस दिन के लिए या उस सप्ताह के लिए शायद वह प्रासंगिक रहे, परंतु उतना समय व्यतीत होने के बाद उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता और एक खास समय ही उनके लिए मुफीद होता है। इसलिए अंग्रेजी भाषा में इस तरह के लेखन को कंटेंट राइटिंग कहते हैं, विषय वस्तु लेखन। भाषा विषय सहित आप बहुत सारे विषयों की परीक्षा देते हैं, प्रश्न पत्रों को हल करते हैं, लेकिन प्रश्न पत्रों के उत्तर देना भी रचनात्मक लेखन नहीं है, क्योंकि आप पहले से रचित रचनाओं को पढ़ते हैं, उन्हीं के आधार पर अपने उत्तरों को तैयार करते हैं और परीक्षा के कॉपी में उसे लिखते हैं। लिखा हुआ लिखने की शैली आपकी हो सकती है, लेकिन जो कुछ भी उसमें लिखा गया है वह पूर्व रचित है, वह रचनात्मक लेखन की श्रेणी में नहीं आता। प्रत्येक लेखन इसीलिए रचना नहीं होता। लिखना रचना करना नहीं है। लेखन एक बात है और रचना दूसरी बात है। किसी दीवार पर लिखा हो सकता है, यहां से बाएं मुड़िए, आगे अस्पताल है, यहां स्कूल है, यहां गाड़ी के हॉर्न बंद करके चलिए, ये रचनात्मक लेखन नहीं है। यह लेखन तो है पर रचनात्मक लेखन नहीं है, क्योंकि इनमें एक मात्र सूचना है।
इसमें जीवन की धड़कन नहीं है, जीवन की व्याख्या नहीं है और जीवन को दिशा देने वाला कोई अमर विचार भी इनमें नहीं है। तो यह थी रचनात्मक लेखन के विषय में जानकारी, रचनात्मक लेखन क्या होता है और रचनात्मक लेखन की श्रेणी में कौन सा लेखन नहीं आता। कृपया इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।